एमपी के गुना चाचौड़ा क्षेत्र में जिस नाबालिग लड़की के साथ जिन लड़कों ने यह दुष्कर्म किया था उनके घर जेसीबी से तोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश से मामा जी का बुलडोजर एक बार फिर से चला, इन अपराधियों के घर पूर्ण रूप से तोड़ दिए गए हैं। वहीं चाचौड़ा विधायक श्री लक्ष्मण सिंह जी ने आज राघोगढ़ में चाचौड़ा में हुए इस घोर अपराध के खिलाफ कैंडल मार्च नारी शक्ति एवं नागरिक समिति द्वारा पूरे शहर में निकाला गया है और अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ऐसी भारतीय न्याय व्यवस्था से मांग की है। गुना से संवाददाता दिनेश वैरागी की रिपोर्ट। नारी शक्ति सीमा राव जी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे जो आपराधिक घटना हुई है उसके विषय में क्या कहेंगे आप, जो आपराधिक घटना हुई है। जी सर नमस्ते, मैं ये कहना चाहूंगी ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन को सख्त सख्त कार्रवाई करना चाहिए। डायरेक्ट फांसी की सजा नहीं, डायरेक्ट इनकाउंटर होना चाहिए। और ये घर कर रहे हैं वो आधे अधूरे कर रहे हो, पूरी जमीन नीप से करना चाहिए और महिला शक्ति को के साथ रहना चाहिए सर। और पुलिस प्रशासन के द्वारा क्या क्या मतलब जो है अभी जैसे जो घटना घटित हुई है, बताया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की भी बहुत बड़ी जो है लापरवाही रही है, तो उसके विषय में क्या कहेंगे। पुलिस प्रशासन की लापरवाही रही है, पुलिस प्रशासन नेताओं के नीचे रह के काम करते हैं और कुछ भी महिलाओं की नहीं सुनते, बस फोन पे हाँ जी करते रहते और कुछ भी नहीं सुनते। पुलिस प्रशासन पहले ही कार्रवाई कर लेता तो ये घटना ही नहीं होती। और शासन को ये करना चाहिए कि उनके जो आधे अधूरे घर कर रहे हैं वो पूरे जमीन से गिरना चाहिए और फांसी की सजा तुरंत होनी चाहिए और जहाँ भी मिले दोषी उनको इनकाउंटर करना चाहिए। देख सकते हैं आप, बाकी ये बहुत शर्म की बात है। हमारे जो चाचौड़ा क्षेत्र है, चाचौड़ा क्षेत्र में ये बहुत ही दुखद घटना है। और इसी बीच में हमारे साथ में एक और महिला शक्ति है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस घटना के बारे में क्या कहेंगे। जी सर, इन लोगों को बिल्कुल फांसी की सजा मिलना चाहिए। क्या नाम है? मेरा शोभा सोनी नाम है। देख सकते हैं बार बार इन लोगों को जिनने जो ये दुष्कर्म किया है उनको वाकई फांसी की सजा होना चाहिए। ये बहुत ही भयानक जो घटना है घटित हुई है चाचौड़ा क्षेत्र में। रात डीवी भारती समाचार टीवी से दिनेश वैरागी की रिपोर्ट। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।